दोस्तों T20 के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीतेगी या नहीं, अपने चेक कमेंट के जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। दरअसल जहां वनडे वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति तो हो चुकी है, लेकिन अब बारी है टीम इंडिया के 5 मैचों की T20 सीरीज की, जिसकी शुरुआत 23 नवंबर से होने वाली है। और इसका पहला मुकाबला जहां आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में 23 नवंबर को खेला जाएगा। और इस मुकाबले की जहां आपको बता दें कि अब की बार यहां पे दोस्तों बड़े बड़े जो कि हमारे आपको बता दें कि टीम इंडिया के यहां पे सीनियर खिलाड़ी नहीं है, जहां पे कप्तान रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, साथ साथ गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो वहां आपको बता दें कि अब की बार यहां की कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को मिली है। तो आइए जानते हैं क्या होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए। ओपनिंग जोड़ी की बात करें दोस्तों, यहां पे ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदारी आपको बता दें कि ऋतुराज के साथ ईशान किशन निभाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 रिंकू सिंह, तो नंबर 6 पर ऑलराउंडर में शिवम दुबे होने वाले हैं। इसके बाद नंबर आपको बता दें कि नंबर 7 पर अक्षर पटेल, तो वही नंबर 8 पर एक और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, तो वही नंबर 9 पर अजदीप सिंह होंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगले खिलाड़ी की, तो वो होंगे नंबर 10 पर प्रशित कृष्णा और नंबर 11 पर आवेश खान होने वाले। तो ये होने वाले हैं वो 11 खिलाड़ी। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को वनडे वर्ल्ड कप हार का पता ले पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।